आप देख रहे हैं जयपुर सिटी और आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर्स की हड़ताल की। प्रदेश भर में सरकारी डॉक्टर्स 4 दिन से हड़ताल पर हैं और अब हाईकोर्ट ने इन्हें तुरंत काम पर लौटने के आदेश दिए हैं। वहीं सरकार को भी आदेश दिए हैं कि जो डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटते उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जो लौट रहे उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। सीजे प्रदीप नटराजो की खंडपीठ ने डॉक्टर अभिनव शर्मा के प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिए। प्रदेश में एक बार फिर सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिसे देखते हुए हाईकोर्ट में अभिनव शर्मा की ओर से प्रार्थना पत्र दायर किया गया और गुहार लगाई गई कि डॉक्टर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हड़ताल पर गए हैं, ऐसे में इनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए और सरकार से हुए समझौते की क्रियान्विति पर भी रोक लगाई जाए, क्योंकि सरकार नीति के तहत सरकारी कर्मचारी अधिकारी का ट्रांसफर करती है। ऐसे में डॉक्टर अजय चौधरी का रवैया गलत है, उनके व्यक्तिगत हित के कारण लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स को तुरंत काम पर लौटने के आदेश दिए हैं, वहीं सरकार को भी काम पर लौटने वाले डॉक्टर्स को गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने उस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और इमीडिएटली डॉक्टर्स को कहा है कि वे अपनी स्ट्राइक खत्म करेंगे, कल से वो काम ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर सभी अगर लिखित में देते हैं कि हमारी ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये आदेश आज न्यायालय ने पारित किया है। मामले में अगली सुनवाई 3 तारीख को रखी है। हमने ये भी कहा है कि ये दबाव में लेकर के जो राजीनामा किया गया है, इस राजीनामे को स्टे करना चाहिए कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट ने ये स्वयं ने माननीय न्यायालय ने 10 नवंबर को आदेश में कहा था कि यदि डॉक्टर्स की कोई डिमांड जो है वो पूरी नहीं होती और अधूरी रह जाती है तो उस पर न्यायालय स्वयं विचार करेंगे। तो जब न्यायालय स्वयं विचार कर रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स के पास कारण नहीं था हड़ताल पे जाने का। इधर डॉक्टर्स की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर महेश शर्मा ने हाईकोर्ट में सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को जबरन गिरफ्तार किया जा रहा है, सरकार का ये रवैया दमनकारी है। उन्होंने मंत्री द्वारा असंसदीय भाषा के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई। माननीय हाईकोर्ट को अपना पक्ष रखा कि सरकार की दमनकारी नीति की वजह से डॉक्टरों को मजबूर किया जा रहा है और डॉक्टरों को आतंकित किया जा रहा है, उनके घरों से गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार किया जा रहा है और मंत्री जैसे जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों के द्वारा ऐसी संसदीय टिप्पणियां की गई कि पूरे डॉक्टर समाज को मच्छर जैसे शब्द से संबोधित किया गया। हमने माननीय न्यायालय के समक्ष ये बात रखी। अब देखना होगा कि सरकारी डॉक्टर्स की इस हड़ताल पर अदालती आदेश का क्या असर पड़ता है। अगर डॉक्टर अब भी काम पर नहीं लौटते हैं तो ये सीधे तौर पर अदालत की अवमानना होगी। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। सेवारत डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़े मामले पर आज सीजे प्रदीप नांद्रजो की खंडपीठ में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स को तुरंत प्रभाव से काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये आदेश दिए हैं कि यदि डॉक्टर्स काम पर लौटते हैं तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। इसके साथ ही अब यह उम्मीद की जा सकती है कि डॉक्टर्स की हड़ताल समाप्त होगी और एक बार फिर से काम सुचारू हो सकेगा। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ गरिमा शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। वही प्रदेश में सेवारत डॉक्टर्स के अड़ियल रवैये की वजह से सरकारी अस्पताल वेंटिलेटर पर पहुंच गए हैं। आज डॉक्टर्स की हड़ताल का 4th दिन था और मरीज इलाज के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। वहीं चिकित्सा विभाग के वैकल्पिक इंतजाम के दावों के बीच अब तक 2000 से ज्यादा ऑपरेशन टाले जा चुके हैं। प्रदेश में सेवारत चिकित्सकों की हड़ताल ने मरीजों की कमर तोड़ दी है। ये हालात तब और बिगड़ गए जब मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट्स और सीनियर रेजिडेंट्स ने भी काम बंद कर दिया। इस वजह से मरीज सरकारी अस्पतालों में भटकने के बजाय मजबूरी में निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, जिसकी वानगी प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में भी देखी जा सकती है, जहां आम दिनों की तुलना में अब आधे ही मरीज पहुँच रहे हैं। डेढ़ घंटे हो गए मेरे को। किसको दिखाना है आपको? इस बार क्या नाम है डॉक्टर? डीएस मीना जी। क्या डॉक्टर है या नहीं है क्या? अभी तक ना तो आया ही नहीं है। क्या नाम क्या आपका? स्वामीनाथ प्रसाद। कहाँ से आए हो? विश्वकर्मा 17 नंबर। क्या दिक्कत हो रही? क्या डॉक्टर्स की हड़ताल का पता था आपको? नहीं सर। क्या कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? 1 घंटे से ऊपर हो गए। क्या डॉक्टर मिले या नहीं मिले? अभी आए नहीं। दरअसल सेवारत चिकित्सकों की हड़ताल पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सरकार इनकी अधिकांश मांगे मान चुकी है। मसलन ग्रामीण भत्ता 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। सेवारत चिकित्सकों को पोस्टमार्टम भत्ता 400 और सहायक को 100 रुपए कर दिया गया है। इंटर्नशिप भत्ते को 3500 रुपए से बढ़ाकर 7000 रुपए कर दिया गया है। नीम हकीमों के खिलाफ सेल गठित कर दी गई है। 26 जिला अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरों के लिए स्वीकृति आदेश जारी हो गए हैं।
संयुक्त निदेशक जोन कार्यालयों में विधि सहायक के पद और 10 CMHO को वाहन उपलब्ध कराने की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। RMRS अध्यक्ष के पद पर कलेक्टर के अतिरिक्त जिला अधिकारी को ही अध्यक्ष बनाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इन सर्विस PG में ग्रामीण परिभाषा तय करने के लिए कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। PG करने पर 3 और समकक्ष डिप्लोमा पर 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गए हैं। मांग पत्र के बिंदु संख्या 9, 10, 23, 29 और 31 के लिए समझौते के अनुसार कमेटी का गठन किया जा चुका है, तो कैडर रिव्यू के लिए संघ से प्रस्ताव मिलते ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन सेवारत चिकित्सक अब 12 सेवारत चिकित्सकों के स्थानांतरण आदेश निरस्त करने, अतिरिक्त निदेशक राजपत्रित के पद पर सेवारत चिकित्सक लगाने, सामूहिक अवकाश अवधि को अवकाश में समायोजित करने और आंदोलन के दौरान चिकित्सकों के खिलाफ दर्ज प्रकरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस टकराव के और भी कारण हैं। मसलन चिकित्सा विभाग ने समझौते के क्रियान्वयन से पहले ही सेवारत चिकित्सक नेताओं का तबादला कर दिया। सेवारत चिकित्सक आशा लता के प्रकरण में गंभीरता नहीं दिखाई, चिकित्सकों की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई। तो इसके अलावा मंत्री के बयानबाजी ने भी आंदोलन को हवा देने का काम किया है। इधर डॉक्टर्स भी इस मामले में हठधर्मी बने हुए हैं। वे इस आंदोलन को स्वाभिमान की लड़ाई बता रहे हैं, जबकि ये सीधा जनता से जुड़ा मामला है। इसके अलावा तबादले सरकार का अधिकार है, ऐसे में तबादले का मुद्दा बनाना भी गलत माना जा रहा है। हालांकि अब SMS मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने भी सभी HOD को अलग अलग अस्पतालों का जिम्मा दे दिया है। वहीं रेजिडेंट्स को भी चेतावनी दी गई है कि वे 20 दिसंबर तक काम पर नहीं लौटे तो उनके निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। 4 एडिशनल प्रिंसिपल्स उनके द्वारा जो हमने विभाजित किए हैं अस्पताल, उनके अंदर अपना अपना राउंड ले रहे हैं। कि यूनियन है उससे हम वार्ता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और यूनियन के पदाधिकारी अभी हमसे संपर्क में नहीं है, उनको मैसेज किया हुआ है इनको, जैसे संपर्क में आएंगे हम कोशिश करेंगे कि ये जो भी डायलॉग खत्म हो गया है उसको चालू करके और जल्दी से जल्दी हड़ताल टूटे। बहरहाल इस टकराव का सबसे ज्यादा खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश के कई अस्पतालों में इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो गया है कि बार बार की हड़ताल का अब इलाज हो। विकास शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और जयपुर को विकास के पंख देने वाले JDA को लगता है कि इन दिनों किसी की नजर लग गई है। जिस JDA में हमेशा लोगों का मेला और रेला लगा रहता था, वही JDA आजकल वीरान नजर आ रहा है। जयपुर में विकास के सबसे बड़े मंच JDA में आजकल बड़े ही अजीब हालत है। यहाँ सामान्य कामकाज से लेकर हर तरह का कामकाज इन दिनों ठप पड़ा हुआ है। चाहे उपायुक्तों के कार्यालय हो या इंजीनियरों के चैम्बर, हर तरफ सन्नाटा ही पसरा हुआ है। हालात ये है कि JDA के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए ड्यूटी का समय निकालना भी मुश्किल होता जा रहा है। आर्थिक संकट के बाद विभिन्न कोर्ट आदेशों से JDA के हालत बद से बदतर हो चले हैं। JDA में जिस काम के लिए सबसे अधिक हलचल रहती है वो काम है कॉलोनियों का नियमन, लेकिन हाई कोर्ट की रोक के बाद 4 नवंबर से JDA में कोई नियमन नहीं हुआ है। नियमनों के लिए ही पृथ्वीराज नगर सहित JDA के सभी जोनों में भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन अब तो JDA के नकारा अधिकारियों को काम नहीं करने का बहाना भी मिल गया है, जिसके बाद उन्होंने JDA में नाम ट्रांसफर, JDLC और 90A जैसे काम भी बंद कर दिए हैं। अधिकारी अब किसी भी काम को करने से मना कर देते हैं और इसके लिए कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हैं। इससे पृथ्वीराज नगर सहित कई इलाके के लोग JDA से परेशान हो गए हैं। पट्टे नहीं मिलने से बिजली पानी के कनेक्शन भी नहीं मिल पा रहे हैं। नियमन शिविर होने से JDA की जो आय हो रही थी वो भी अब बंद हो गई है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी पर भी संकट आ गया है। हाई कोर्ट के नियमनों पर रोक के बड़े फैसले से JDA उबरने की कोशिश ही कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बजरी पर रोक लगा दी। अगर द्रव्यवती और एलिवेटेड के काम को छोड़ दें तो शहर में सभी तरह के विकास कार्य बंद हो गए हैं। JDA में इंजीनियरों के पास भी कोई काम नहीं बचा है। दर्जन भर से अधिक इंजीनियर JDA में बिना काम के बैठे हुए हैं और मोटी तनख्वाह और सुविधाएं ले रहे हैं।
लेकिन इसके बाद भी जेडीसी बिना जरूरत के डेपुटेशन पर लगे इंजीनियरों को रिलीव करने का कठिन फैसला नहीं ले पा रहे हैं, जिस कारण जेडीए में फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में दूसरे विभागों के इंजीनियर बिना काम के ही टाइम पास कर रहे हैं। उधर जेडीए से जुड़े ठेकेदार भी अब तक के सबसे मुश्किल दौर में है। दीपावली से पहले से ही ठेकेदारों के पेमेंट अटके हुए हैं। जेडीए में सभी तरह के कार्यों की रफ्तार इन दिनों थम गई है। इससे जेडीसी से लेकर सभी तरह के अधिकारी और कर्मचारी परेशान हैं। लेकिन फिलहाल इसका कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। गुलाबी नगरी के मौसम में जितनी ठंड है उससे अधिक ठंड इन दिनों जेडीए में है। हालात ये है कि जेडीए के जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के पास पहले काम के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता था, उन अधिकारियों के पास अब कोई काम ही नहीं है। और चिंता की बात ये कि आने वाले दिनों में जेडीए के इस संकट के सुलझने के कोई आसार भी नहीं, जो चिंता की बड़ी बात है। कैमरामैन विकास के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, जी मीडिया, जयपुर। और स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर बैठक लेने पहुंचे मेयर अशोक लाहोटी को मोती डूंगरी जोन के बाहर व्यापारियों का विरोध झेलना पड़ा। संजय बाजार के व्यापारियों ने काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना था कि जब से बाजार बना है तभी से व्यापारी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। मेयर के सामने उन्होंने अपनी समस्याएं रखी तो ठोस आश्वासन देने के बजाय मेयर उन्हें धमकाने लगे। दूसरी ओर मामला बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और फिर पुलिस और व्यापारियों में भी तकरार हुई। हालांकि बाद में समझाइश से मामला शांत हो गया। मेयर लाहौटी व्यापारियों के विरोध को नजरअंदाज कर आगे निकल गए। तक कुछ भी काम नहीं करते बाजार के अंदर, सारे लोगों को इतना परेशान कर रखा है कि जिसकी हद नहीं। और इनकी संजय बाजार की तरफ कुछ भी इच्छा नहीं है और सारे जयपुर को लूट के खाने की इच्छा हो रही है इन लोगों की। यहाँ विकास कर रहे हैं और कर रहे हैं, संजय बाजार की तरफ देखते भी नहीं है। आपको क्या बोला कि आपको जो करना था? हाँ नहीं, हमको भी अभी महापौर साहब ने कहा कि महापौर साहब आप आए थे 4 महीने पहले, आए 5 महीने पहले, आपने बाजार के लिए क्या किया? आपको जो भी करना हो जो कर लो, ये और कहते हैं। ये तो मुझे समझ में नहीं आया धमकी कैसे दी जाती है। उन्होंने कहा कि भाई हम तो आपको ये है, आपने धोखा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैंने कहा आपने अपनी बात कह दी, अब हमको जो सुधार करना होगा हम करेंगे, इसमें धमकी क्या बात होगी। वो अपनी बात कहकर गए, अब हमको जो भी कार्रवाई वहां पर करनी है, ठीक कराना है, विकास के काम कराने हैं और कराने हैं। संजय बाजार में लाइटें लगवाई हमने, संजय बाजार के सारे परकोटे के जो अतिक्रमण था उसको हटवाया, संजय बाजार की सब्जी मंडी को रेगुलाइज करवाया। अब संजय बाजार के पट्टों का विषय और विषय, वो कई चीजें ऐसी जो एकदम से नहीं हो सकती, उसमें कई हमारे 2 लोगों की कमेटी भी बनी हुई है, डिप्टी मेयर साहब है, पार्षद महोदय है, उनकी कमेटी भी बनी हुई है, तो उसको भी करेंगे, तो उसके हिसाब से सारे वो जो है वो मिलकर करेंगे। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोटपुतली में बांसूर और पुतली मोड़ पर फ्लाईओवर निर्माण की घोषणा की है। वहीं बीडीएम अस्पताल के पास सबवे और फुट ओवर ब्रिज की घोषणा भी की है। इससे क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। दरअसल कोटपुतली में पिछले 40 दिनों से फ्लाईओवर और अंडरपास की मांग को लेकर धरना जारी था। आज पुलिया विस्तार संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इसे लेकर मुलाकात की, जिस पर गडकरी ने फ्लाईओवर, सबवे और फुट ओवर ब्रिज निर्माण कराने की घोषणा की। जी से मुलाकात थी और राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से लेकर जयपुर पे जो ट्रैफिक चलता है वो तो ठीक है, लेकिन दोनों तरफ जो रिहायशी इलाके हैं उनको बड़ी कष्ट होती है रास्ता क्रॉस करने, और उसके लिए खास मुश्किलें कोटपुतली का जो पीडीएम अस्पताल है उसमें जो पेशेंट्स हैं वो कैसे जाएंगे, मरीज उसमें कैसे जाएंगे, दूसरा सब्जी मंडी का जो क्षेत्र है उसमें ट्रक कैसे जाएंगे। तो इस बात की आज खुशी है कि गडकरी जी की पूरी सहमति हो गई कि इस इलाके के आगे भविष्य के लिए यहां पर फ्लाईओवर बनने, यहां पर ट्रैफिक नीचे से जा सके और दूसरा बाईपास बनने बहुत जरूरी है। चलिए खबरों का सिलसिला जारी, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं।
के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान रोडवेज की यदि हम बात करें तो प्रशासन ने दिल्ली रूट पर अपनी 20 बसों का संचालन बंद कर दिया है। रोडवेज की जयपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली इन बसों को बंद किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसे सबसे ज्यादा आमदनी वाला रूट माना जाता है। लेकिन रोडवेज प्रशासन ने शाहपुरा डिपो की 7, कोटपुतली डिपो की 8 और वैशाली नगर डिपो की 5 बसों का संचालन बंद कर दिया है। इसकी वजह से दिल्ली जाने वाले लोगों को परेशानी होगी, वहीं लोक परिवहन सेवा के निजी बस संचालकों को फायदा मिलेगा। भरतपुर संस्थापक महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर शौर्य दिवस समारोह 25 दिसंबर को जयपुर के मानसरोवर के दीप स्मृति ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी बायतू विधायक और अखिल भारतीय महाराजा सूरजमल जाट महापंचायत अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस मौके पर कैलाश चौधरी ने कहा कि राजस्थान में पहली बार बड़े स्तर पर विश्व के सिरमौर भारत भूमि के अजय महायोद्धा महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर शौर्य दिवस आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक मुख्य अतिथि होंगे, वहीं केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, सांसद दुष्यंत सिंह, यूपी सांसद बाबूलाल सहित कई गणमान्य लोग शिरकत करेंगे। तो महाराजा सूरजमल जी का शौर्य दिवस है और उस कार्यक्रम को लेकर आज बैठक लगी, जिसके अंदर 25 तारीख को हमारे इस राजस्थान के अंदर से सारे जो प्रबुद्ध जन है वो यहाँ पर आएंगे और जयपुर में आकर बैठने एक कार्यक्रम किया जाएगा और इसमें महाराजा सूरजमल जी के इतिहास के बारे में जानकारी दी जाएगी। और जर्मनी के उरकुंड में आयोजित जूनियर स्वेनलैंड स्मृति बॉक्सिंग टूर्नामेंट में राजस्थान के लक्ष्य चाहत ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी मोहंती ने लक्ष्य को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी और विदेशी कोच से ट्रेनिंग दिलाए जाने का प्रस्ताव भी दिया। 15 से 17 दिसंबर तक जर्मनी में आयोजित जूनियर स्वेनलैंड स्मृति बॉक्सिंग टूर्नामेंट में जयपुर के लक्ष्य चाहर ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। पदक जीतने के बाद लक्ष्य ने महंती से अपने मुक्केबाजी प्रशिक्षक विजय प्रताप सिंह के साथ मुलाकात की। स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले मेयर अशोक लाहोटी ने पार्षदों को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर इस बार शहर सर्वे में पिछड़ा तो इसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे। ये बात मेयर ने हवा महल जोन पश्चिम और मोती डूंगरी जोन के सभी पार्षदों संग मोती डूंगरी जोन कार्यालय में एक बैठक में कही। मेयर ने कहा कि शहर सर्वे में अच्छी रैंकिंग हासिल नहीं कर पाता है तो इसके लिए पार्षद जिम्मेदार होंगे। मेयर के इस बयान के बाद पार्षदों में खासी नाराजगी है। कुछ पार्षदों ने दबी जमा में नाराजगी भी जताई है। निगम प्रशासन ने इस सर्वे से पहले आमजन में जागरूकता फैलाना, स्वच्छता ऐप ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करवाने के लिए एक निजी कंपनी को हायर भी किया है। इस कंपनी की ओर से हर वार्ड में 1 से 2 जनप्रतिनिधि लगाए गए हैं जिन्हें स्वच्छता मित्र का नाम दिया गया है। हम लोग जो जोन वाइज हमने बैठकें शुरू की है, आईसी एक्टिविटीज जो हो रही है उन आईसी एक्टिविटीज में हमारे जनप्रतिनिधि भी सब लोग जाएं। जैसे भी कुछ वार्डों में हुआ भी है, वार्ड 52 में हुआ, वार्ड 58 में हुआ, उधर वार्ड नंबर 12 में हुआ, बहुत सारी जगहों पे जो कार्यक्रम हुए हैं। इसके अलावा आज सभी अधिकारियों से हमने ये भी कहा है कि आपको हमारा जहां भी सहयोग चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों का जहां भी आपको लगता हो सहयोग की आवश्यकता है वो आज तुरंत हमको बताएं। हम सभी लोग एक मत होकर तो इस जन सर्वे सर्वेक्षण में सभी लोग जितने हम पार्षद महोदय हैं सब इसमें पूर्ण रूप से जुटकर और अपने जयपुर की स्वच्छता के लिए हम सब काम करें। जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और जगह जगह जाके हर एक जोन के अंदर इस बार उन्होंने मीटिंग करने का तय किया है और हर एक कार्यक्रम हमारे पार्षदों से और ऑफिसरों से सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं कि हमारा नंबर 1 कैसे आ सकता है। इसके लिए जो भी आपको सुविधाएं चाहिए, जो भी संसाधन चाहिए, आप अपनी लिस्ट दे दो, वो संसाधन मिलेंगे, लेकिन जयपुर सफाई सर्वेक्षण में नंबर 1 आना चाहिए। और 32वीं अखिल भारतीय 5 दिवसीय डाक सांस्कृतिक प्रतियोगिता 20 दिसंबर से उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुरू होगी। इस प्रतियोगिता में देशभर से 24 डाक परिमंडल से 500 प्रतिभागी भुवनेश्वर पहुंचे। राजस्थान से टीम मैनेजर पूजा शर्मा के नेतृत्व में 14 सदस्यीय प्रतिभागी टीम भुवनेश्वर पहुंची। इस दौरान सुगम संगीत, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत, गायन, वादन, तबला वादन, नृत्य और नाटक सहित एकल अभिनय नाटक की प्रतियोगिताएं भी होंगी।
अमेर तहसील की ग्राम पंचायत आकेरा डूंगर में जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य मोहन डागर ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा और पेंशन से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। डागर का कहना है कि वो इन समस्याओं को कलेक्टर तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को उन्होंने गर्म कपड़े भी बांटे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।